पीसीएस जे 2022 की परीक्षा में सहारनपुर जनपद की महिलाओं ने भी परचम लहराया है। इसमें पूर्व विधायक मामचंद लांबा की पुत्रवधु दीपिका रानी भी जज बन गई हैं, जिससे उनके परिवार व क्षेत्र में खुशी की लहर है। दीपिका रानी के जज बनने से पूर्व विधायक मामचंद लांबा बेहद खुश हैं। उन्होंने दीपिका की सफलता को उनकी मेहनत व लगन बताया है। दीपिका ने बिना कोचिंग लिए सिर्फ इंटरनेट से जानकारियां जुटाकर यह मुकाम हासिल किया है। दीपिका के पति विनोद लांबा ने हर कदम पर अपनी पत्नी की हौसला अफजाई की और आगे बढ़ने में दीपिका का हर कदम पर साथ दिया है। जी, मेरा नाम दीपिका रानी है और मैंने अभी अभी पीसीएस 2022 की परीक्षा उत्तीर्ण की है। आपको परीक्षा उत्तीर्ण करके कैसा लग रहा है कि आप जज बन गए हैं, तो कैसा महसूस? जी, बहुत खुश हूँ। एक लक्ष्य सोचा था वो पूरा हुआ है और बहुत खुशी है आज के दिन, और बहुत खुशी हूँ और परिवार का बहुत सपोर्ट रहा इसमें। बात करें अगर जैसे कि आप गृहिणी हैं, तो क्या संघर्ष आपको इसमें देखने को मिला आपकी लाइफ में, किस तरीके से आपने किसने आपको मोटिवेट करा इसके लिए, इसके बारे में बताइए। जैसे गृहिणी होती हैं तो उसी हिसाब से मैंने भी वही स्ट्रगल किया एक आम महिला की तरह। मुख्यतः परेशानी समय की आई, लेकिन मैंने फिर एक रूटीन बनाया कि इस टाइम से इस टाइम तक काम करना है और बाकी समय जो बचेगा मैं अपना पढ़ाई के लिए दूंगी, और अदर एक्टिविटी मैंने सारी छोड़ दी थी, लाइक टीवी देखना, फिल्म देखना। तो उस चीज़ को मैंने रोक कर फिर मैंने यहाँ से समय निकाला अपने लिए और फिर मैंने इस दिशा में कार्य किया। और सहयोग के लिए मेरे परिवार में बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है, जिनमें मेरे मम्मी पापा, जो वो बहुत चाहते थे, उनका सपना था कि उनकी लड़की कामयाब हो, उनका बहुत विश्वास था कि उनकी लड़की ज़रूर कामयाब होगी। और तो ये आज वास्तव में ऐसा क्षण वो आया है और मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ। और मेरे भाई देवेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, प्रताप सिंह, मेरे जीजा जी कविंद सिंह उनकी, और आशीष जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और बहनें लता रानी, गुड़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए कि जो आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और ससुराल पक्ष से मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, उनका बहुत योगदान है। उनके बगैर मैं यहाँ नहीं, अब खास तौर से अपने हस्बैंड के बगैर मैं यहाँ नहीं होती। उन्होंने मुझे जब भी गिरी तभी मोटिवेशन किया, और जो जो परिस्थिति में जो जो चीज़ें मैंने डिमांड करी उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी करी, और उनके बगैर मैं आज यहाँ नहीं होती। साथ ही पुष्पा दीदी, अमित नवीन, राहुल भैया, अनुराग भैया, ये खास तौर से स्तंभ रहे मेरे सफलता में। सर, हम तैयारी की अगर बात करें तो आपने कोचिंग क्लास लिया है, तैयारी किस तरह आपने करी? जी, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, मैंने खुद ही सेल्फ स्टडी की है। कुछ बुक्स पढ़ी मैंने पहले, और फिर वहाँ से अपने नोट्स बनाए और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में वो नोट्स लिखे मैंने, और डेली प्रैक्टिस की क्वेश्चन आंसर लिखने की। और करंट के लिए मैंने मैगजीन्स का इस्तेमाल किया, और उसके बाद मैंने सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ किया करंट अफेयर्स के लिए, कुछ वेबसाइट और यूट्यूब, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो आपके पिताजी, माताजी और आपके ससुर साहब, आपके हस्बैंड, ये क्या करते हैं, किस तरह की फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली बैकग्राउंड, मैं जिस परिवार से आती हूँ वहाँ मेरे फादर जज रहे हैं, और मेरे तीन भाई तीन बहन हैं, और सिस्टर भी मेरी जज हैं, और उनके हस्बैंड भी जज हैं, आशीष जी। तो वो बहुत मोटिवेट करते थे, और कविंद्र जीजा जी, वो लोग बहुत मोटिवेट करते थे कि आप में इतना कॉन्फिडेंस है, आप करो, करोगी तो बिल्कुल बनोगी। तो और साथ ही बुलंदशहर से भास्कर फूफा जी, मंजू बुआ जी, आदित्य जी, उन लोगों का इतना मोटिवेशन था, उन लोगों को मुझसे ज़्यादा ट्रस्ट था कि मैं निश्चित ही कर पाऊंगी उस इस जर्नी में। वो लोग इतने सहयोगी थे कि जब भी मुझे महसूस हुआ कि मुझे ऐसा गिराव महसूस हो रहा है तो उन्होंने बिल्कुल मेरी सपोर्ट की। और ससुराल पक्ष से बहुत खास लोग हैं मेरे, जो मेरे बहुत नज़दीक हैं, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, और अमित नवीन खास तौर से, राहुल भैया, अनुराग भैया, पुष्पा दीदी, ये लोग थे जो मेरे इस जर्नी में बिल्कुल सहयोगी रहे। हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। जब मैंने LLB की इच्छा प्रकट की इन्होंने, तो इन्होंने मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। मैंने कहा कि मुझे LLB करनी है,
तो उन्होंने अगले दिन ही, उस वक्त फॉर्म निकले हुए थे तो उन्होंने अगले दिन ही फॉर्म लाके मुझे दे दिया। तो ये इस हद तक सपोर्ट था इनका। ये महिलाओं के बहुत सपोर्टिव रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ये कहते हैं कि एक पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, पर मुझे ये लगता है कि एक महिला के पीछे एक पुरुष का भी हाथ हो सकता है। और जितने हस्बैंड सपोर्ट रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई सपोर्ट कर सकता है जितना मेरे हस्बैंड ने किया है मुझे सपोर्ट। महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? महिलाओं के लिए तो ये मेरा यही संदेश है कि आप घबराएं नहीं। हो सकती है कि परिस्थितियां थोड़ा सा आपके विपरीत तो होती हैं शादी के बाद में, पर आप धैर्य बना के रखें, संयम बना के रखें और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ काम कार्य करें, और निश्चित ही एक दिन वो लक्ष्य आपको बिल्कुल पूरा होगा। जी, आपका परिचय? मेरा नाम विनोद कुमार लांबा है। लांबा जी, जैसे कि आपने आपकी धर्मपत्नी जी जो है जज बन गई, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपने किस किस तरह से उनका साथ दिया है? आपकी बहुत तारीफ उन्होंने करी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेहनत तो उन्हें की है, और मेहनत में अगर कोई तिनका भी लगा दे तो उसका भी सहयोग हो जाता है। मैंने उन्हें जो चीज़ें उन्हें चाहिए थी वो समय समय पर प्रोवाइड कराता रहा, थोड़ा मोटिवेशन भी करता रहा, मोटिवेट करता रहा। जब आदमी गिरता है और संभलता है, क्योंकि ये कंपटीशन ऐसा है, इसमें गिरना संभलना बहुत रहता है। जहाँ जहाँ वो गिरी, मैंने उनको मोटिवेट करके ऊपर उठाया। अच्छा, जैसे कि अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी कि अपनी पत्नी को लोग एजुकेशन कराने से डरने लगे थे, तो उस चीज़ को लेकर आपका क्या कहना? देखिए, सब सोचने का अपना अपना रवैया है सबका। पांच उंगली तो बराबर नहीं होती। समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। सबसे बड़ी बात पति पत्नी के संबंध में ट्रस्ट की होती है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप किसी संबंध को नहीं चला सकते। विश्वास सबसे बड़ा है, और आप अपनी पत्नी पर कोई भी हो, उस पर विश्वास बना के रखें,